हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्टन एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस थैली का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तो एज यूजुअल हम फिंगर से शुरू करेंगे, फिंगर्स कैसी हैं इनके हाथ की वह देखेंगे, उसके बाद माउंट्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे इनकी लाइन्स की। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फिंगर्स से। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फिंगर्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिंगर्स एवरेज साइज़ की हैं या थोड़ी छोटे साइज़ की कह सकते हैं। तो बड़े क्विक डिसीजन लेने की एक तरह से प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की जिनकी फिंगर्स छोटी होती हैं, लेकिन थिकनेस काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ खड़ी लाइनें हैं हाथ के ऊपर जो इनकी नेचर को काफ़ी फ्रेंडली बनाती हैं। आड़ी लाइनें मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। और अगर बात करें अपोलो फिंगर की, तो अपोलो फिंगर की लेंथ जो है वह तर्जनी से थोड़ी ज़्यादा है, तो अपोलियन क्वालिटी इनके अंदर काफ़ी रहेंगी। अगर तर्जनी की बात की जाए तो वह भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी हाइट साइज़ में भी, तो थिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो कह सकता हूँ कि मिली जुली क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी होंगी और आर्टिस्टिक टाइप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी। और अगर देखा जाए मर्करी फिंगर को, तो काफ़ी अच्छी लेंथ है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा मर्करी को। तो मर्करी की जो लेंथ है वह लगभग फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है, तो मर्करी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। ज़्यादा लो सेट फिंगर नहीं है, तो बिजनेस एकुमन भी काफ़ी अच्छा रहेगा इनके अंदर और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे इनके। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं एक लाइन ताकि क्लियर हो सके इनके माइंड जो माउंट्स की पोजिशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइन बन रही है, बहुत ज़्यादा डीप कोई भी माउंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके माउंट्स को चेक करेंगे, माउंट्स क्या क्या बताते हैं हमें। तो यहाँ से थोड़ा क्लोजअप लेंगे और ताकि माउंट्स को क्लियरली देखा जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बृहस्पति का माउंट है काफ़ी अच्छा है, बैलून टाइप फूला हुआ है। तो कह सकता हूँ कि बृहस्पति की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी इनके अंदर। और बृहस्पति के साथ साथ यहाँ पर शनि का माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी दबा हुआ नहीं है। दोनों ही माउंट्स काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में नज़र आ रहे हैं मुझे, और एक बहुत ही अच्छी लाइन जो कि जिसको हम सैटर्न की लाइन कहते हैं वह भी ऊपर तक पहुंच रही है कुछ यहाँ से चलते हुए। तो पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा इनके पास, काफ़ी मेहनती इंसान होंगे और साथ ही साथ अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ और डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अपोलो माउंट को देखते हैं। अपोलो माउंट क्या बता रहा है? अपोलो माउंट के ऊपर एक टेढ़ी लाइन चल रही है, उसके बाद एक सीधी लाइन जो बाईफोर्क हो रही है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। माउंट ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी लाइन और लंबी फिंगर होने के कारण इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी और फेम मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाकर, क्योंकि जो लाइन की शुरुआत हो रही है वह हार्ट लाइन से ऊपर हो रही है, तो ओल्ड एज में ही इनको फेम काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन पैसा इनको थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा। कुछ इस तरह की लाइन्स इनके हाथ में बन रही हैं। मर्करी को देखेंगे, यहाँ पर मर्करी की लाइंस क्या बता रही हैं हमें। तो यहाँ पर एक और पहले ये सारी लाइंस को मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम मर्करी की लाइंस देख सकते हैं, कुछ खड़ी लाइनें मर्करी पर दिखाई दे रही हैं। तो इन खड़ी लाइनों का मीनिंग, इसको वैसे मेडिकल स्टिग्माटा भी कहा जाता है, लेकिन यह हीलिंग क्वालिटीज़ के बारे में बताती हैं। और व्यक्ति ऐसे जिनके हाथ में ऐसी खड़ी लाइनें मर्करी पर होती हैं, ये काफ़ी एक तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं इनकी। और ऐसे लोग जिनके हाथ में तीन से चार खड़ी लाइनें होती हैं, मेडिकल स्टिग्माटा जैसी इसको फॉर्मेशन कहा जाता है, तो ऐसे लोग हीलिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि ये मेडिकल फील्ड में होंगे, लेकिन इनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं किसी के भी को भी हील करने की होती हैं, यानी अगर ये अपनी बातों से ही, काउंसलिंग से ही दूसरों को हील कर सकते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हार्ट की लाइन को चेक करेंगे, हार्ट की लाइन क्या बताती है इनकी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन की एक ब्रांच जो है वह बृहस्पति से चल रही है और दूसरी बृहस्पति और जो शनि की फिंगर है इन दोनों के बीच में से चलती हुई नीचे की तरफ आ रही है। तो एक तरह से काफ़ी लॉयल, बृहस्पति के ऊपर ब्रांच होने के कारण काफ़ी लॉयल रहेंगे, यह काफ़ी अच्छे फ्रेंड माने जा सकते हैं। और यहाँ पर यह विष्णु सिंबल जिसको कहते हैं, जो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें देता है लाइफ के, लेकिन आगे चलकर काफ़ी ऑस्पिशियस साइन माना जाता है, आगे चलकर व्यक्ति की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके कारण।
और हार्ट की लाइन में अगर और देखा जाए तो कुछ ब्रांचेज हैं यहाँ पर जो नीचे की तरफ जाने वाली हैं, और कुछ एक या दो ब्रांचेज यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने वाली, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है। तो ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी होते हैं अपनी लाइफ में, थोड़े से रंगीन मिजाज होते हैं, और साथ ही साथ जो नीचे वाली ब्रांचेज हैं यह कुछ इमोशनल सेटबैक्स देती हैं लोगों को जिनके हाथ में ऐसी होती है। तो एक लाइन यहाँ पर भी नीचे की तरफ जाने वाली है। तो अलग अलग एजेस में अगर एज मैपिंग की जाए तो यह जो पहला सेटबैक का निशान दिखाई दे रहा है यह लगभग इनकी 25 से 26 की एज में दिखाई दे रहा है, और बाकी के कुछ जो हैं वह लेटर एज में दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे डाउनवर्ड लाइंस हैं यह सारी सेटबैक की लाइंस होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं माइंड की लाइन की तरफ। माइंड की लाइन इनके बारे में क्या बताती है इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा कुछ स्क्रॉल करना चाहूँगा हैंड को ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे सके। तो यहाँ से देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी क्लियर एंड सीधी है। तो आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा एक बार, कुछ इस तरह से चल रही है, थोड़ा सा झुकाव है, बहुत ही कम, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट लाइन है। और इस लाइन में मुझे कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक लाइन जो राहु लाइन है वो काट रही है, अदरवाइज कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी बड़ा गैप बीच में दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो जो इनको थोड़ा सा स्वभाव में ज़िद्दी और इंडिपेंडेंट बनाता है, यानी बचपन से ही अपने सारे डिसीजंस खुद लेने की नेचर रही होगी इनकी, और कुछ इस तरह का स्वभाव कि जो भी इनके मन में होता है वह काम इन्होंने करना ही करना, कुछ इस तरह की नेचर उभर कर सामने आती है। लेकिन इंटेलिजेंट काफ़ी रहे होंगे, काफ़ी शार्प माइंड है इनका, और स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया होगा। थोड़ी सी कल्पनाशीलता रहेगी, थोड़ा सा जो झुकाव है माइंड की लाइन का यहाँ से, क्योंकि अगर माइंड की लाइन कुछ इस तरह से सीधी चलती है तो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो झुककर थोड़ी सी नीचे की तरफ चलती है तो व्यक्ति थोड़ा सा कल्पनाशील हो जाता है, इमेजिनेशंस में रहता है, कुछ इस तरह का की नेचर भी इनके हाथ में बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, तो सारी लाइंस को मिटा रहा हूं ताकि आगे देखा जा सके। आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन में शुरू में एक आइलैंड जैसा साइन बन रहा है, डबलिंग सी हो रही है, और उसके बाद की लाइन काफी क्लियर मुझे नजर आ रही है यहां तक, और आगे चलकर केतु के ऊपर एक मच्छ जैसा साइन बन रहा है। तो बताना चाहूँगा कि शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही होंगी कुछ फैमिली की तरफ से, या कुछ ना कुछ एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि इमोशनल प्रॉब्लम्स, फैमिली की सपोर्ट ना मिलना, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही होंगी, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर शो हो रही हैं। लेकिन यहाँ से जो एज निकल कर सामने आ रही है, जहाँ से ये इंडिपेंडेंट हुए, यहाँ पर वो एज बन रही है लगभग 18 to 20, 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच में इन्होंने अपने सारे डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, और उसके बाद की लाइफ काफ़ी अच्छी होती नज़र आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस लाइंस भी दिखाई दे रही हैं, और एक काफ़ी बड़ी स्ट्रेस लाइन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम रही होगी, जिसको मैं भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। लगभग यह वाली लाइन जो लगभग एज बन रही है यहाँ पर 25 से 26 के आसपास की एज, इस एज में कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ हुआ जिसने इनको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब जरूर किया होगा, और यह फिजिकल प्रॉब्लम और साथ ही साथ इमोशनल सेटबैक भी इससे मिला, क्योंकि लाइफ की लाइन भी काट रही है, फेट की लाइन भी और माइंड की लाइन भी, तीनों लाइनों को काट कर जाने वाली रेखा काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, और मंगल से चलने वाली ऐसी रेखा व्यक्ति को कुछ देर के लिए डिस्टर्ब करती है, लेकिन लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है उसके बाद भी। तो ये डिस्टर्बेंस इनको ज़्यादा देर तंग नहीं कर पाई होगी, थोड़ी देर के लिए ये डिस्टर्ब रहे होंगे अगर देखा जाए तो। उसके बाद एक या दो लाइनें और हैं जो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन टच हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 25 के आसपास की एज थी, यह कोई 28 के आसपास की एज में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम, और यह जो है यह लगभग 30 के आसपास की एज, 30 या 32 के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में रही, लेकिन इसके आगे की लाइफ मुझे काफ़ी स्मूथ नज़र आ रही है। और आगे जो फोर्क बन रहा है बाहर की तरफ निकलने वाली लाइनें, ये इनको विदेश यात्रा करवा सकती हैं, विदेश में सेटल भी करवा सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ से एक लाइन आकर लक लाइन में जुड़ रही है, और एक ट्रैवल लाइन दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग के चांसेस इनके काफ़ी मिलेंगे, फॉरेन जाने के चांसेस भी इनके पास काफ़ी रहेंगे, ये फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइनें इनके हाथ में बन रही हैं। अब आगे देखा जाए इनकी प्रोग्रेस की लाइंस अगर चेक की जाएँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोग्रेस की लाइंस भी मुझे नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो एक ऑफशूट जो लगभग
23 से 24 वर्ष की आयु में यहाँ से दिखाई दे रहा है, और दूसरा लगभग 40 की एज में जो काफ़ी स्ट्रांग है। इन दोनों ऑफशूट्स की वजह से इनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, काफ़ी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये 24 और 40 की एज में इनको काफ़ी प्रोग्रेस मिलने वाली है, और उसके बाद अगर इनकी फेट लाइन को चेक किया जाए तो बहुत ही अच्छी फेट लाइन है, काफ़ी क्लियर फेट लाइन है इनके हाथ में। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के हाथ में फेट लाइन होती है लेकिन टूट कर चलती है, इनके हाथ में कहीं से भी फेट लाइन टूटी नहीं हुई, बहुत ही सीधी और स्ट्रेट फेट लाइन है। तो कह सकता हूँ कि किस्मत इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी और इसकी वजह से ये खूब पैसा भी कमा पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके। वीनस का माउंट अच्छा है, और अगर चंद्र के माउंट को देखा जाए तो वह भी मुझे काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है। वीनस के माउंट के ऊपर कुछ वरी लाइंस जरूर हैं लेकिन ज़्यादा प्रभावित करने वाली नहीं है। इनकी वजह से थोड़ी सी चिंता इनको हो सकती है, लेकिन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 40 से पहले पहले 35 तक ही हैं, उसके बाद की लाइफ काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पर इनके हाथ के लगभग सारे साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे थे मैंने डिस्कस किए, फिर भी कई बार कोई क्या होता है कि कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है, इसलिए आपको फोटोग्राफ दोबारा दिखानी चाहूँगा। अगर फिर भी कोई चिन्ह जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।